26वें महाधिवेशन में विभिन्न मुद्दों पर विमर्श, चुनौतियों की समझ और संकल्पों को मजबूत करने की शपथ भी ली गई। सहायक निदेशक हेमंत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हेरिटेज वॉक पुराने शहर के गतला मंदिर से रवाना होकर भैरव दरवाजा तक पहुंचकर संपन्न हुआ और हेरिटेज वॉक में विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों बच्चों के साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और विभिन्न सामाजिक संगठन के लोगों ने भाग लिया। जय बेंसला आज एक दिवसीय दौरे पर टोंक पहुंचे। इस दौरान बेंसला ने कहा कि ERCP लागू हो या ना हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पहली प्राथमिकता लोगों को पानी मिलने से है। उन्होंने कहा कि इस योजना में 10 साल का समय लगेगा, लेकिन आवश्यकता आज है। जो परेशानियां हैं उन पे उनको समझने के लिए और उन पे उनके साथ जो दिक्कतें हो रही हैं उन पे अंकुश लगाने के लिए ये मेरा प्रवास है और एक कोशिश है। और केवल MBC समाज ही नहीं, बाकी सर समाज की भी काफ़ी सारी दिक्कत है। मेरे को जो पता चला, जो लोग कह रहे थे कि टोंक और टोंक वाले क्षेत्र में पीने के पानी की बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की इश्यूज़ काफ़ी सारी हो जाती हैं। और ये केवल शहर की बात नहीं है, आसपास की बातें हो रही हैं। अब देखिए, वो महिला के पैर काट करके उसके कंग वो ले गए कड़े, ये वहशीपन नहीं है तो और क्या है। और इसके ऊपर किसी ना किसी को तो अंकुश लगाना पड़ेगा। महिला थी इसलिए काट दिया, एक का हुआ, कल दूसरे का होगा, परसों तीसरे का होगा। और जितना मैं जाके देख रहा हूँ, मैं ये बात कहने में मैं चूकता नहीं हूँ, मैं कहूँगा जरूर कि पूरे राजस्थान में, खास करके पूर्वी राजस्थान में, जिस तरह से स्मैक घुस रहा है बच्चों के दिमाग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, और जिसको हम रोकने में कोशिश प्रशासन कर रहा है, मैं मना नहीं करूँगा, कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद वो कोशिश थोड़ी कम है। हमें समय रहते इस नासूर को जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। अगर ये हम नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद होती जाएंगी। साथ ही साथ ये भी बता दें कि इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ महाराजागंज गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह भी मौजूद रहे। अगली खबर राजस्थान के बीकानेर से है, जहां पर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के लिए नए जीवन की शुरुआत है और जीवन में सदैव सीखने के लिए तत्पर रहते हुए विद्यार्थी अपने ज्ञान से समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देते हैं।